जो आप रिसेंटली जो आ, आपने देखी कि आपका जो सिलेबस है इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो आपकी टीचिंग ये है या एग्जाम पैटर्न है उसमें बहुत सारी चेंजेस लाई जा रही हैं और खासकर यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अभी Uh, जो उसमें एक अमेंडमेंट uh, या जो इनमें एक चेंज लाई जा रही है और खासकर जो यहाँ पे जो बेसिक सिकल्स हैं कोई भी लैंग्वेज की और यहाँ पे अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे दैट मीन लिस्ंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग इन चारों uh, जो ये अलग अलग जो ये सिकल्स हैं इन पर ही कोई भी लैंग्वेज बेस्ड होती है और यहाँ पे इंग्लिश जो है इनमें भी जो ये चार सिकल्स हैं ये इन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि एक स्टूडेंट्स में ये चारों जो स्किल्स है साइमल्टेनियसली डेवलप हो जाए <coughs> और लिसनिंग के बारे में आ, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि लिसनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है एंड द स्टूडेंट नीड्स टू बी एन एक्टिव लिसनर नॉट जस्ट हियरिंग थिंग्स इज़ नॉट एनफ कि आप खाली सुनते जाओ और आप जो एक्टिव लिसनर नहीं हो तो वो चीज़ें अभी नहीं चलेंगी आपको कोई भी ज़बान सीखने के लिए पहले एक लिसनर बनना पड़ेगा जैसे एक स्टूडेंट एक बच्चा जो होता है वो कोई भी जबान सीखने से पहले उस जबान का जो सुनता है तभी वो उसमें फिर बोल पाता है जो एक नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन मेथड होता है इसके बाद जो दूसरी एक अहम स्किल है जो जिन पे जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है दैट स्पीकिंग एंड स्पीकिंग शुड एनेबल स्टूडेंट्स टू प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट वो और सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है स्पीकिंग का दैट मीनस ए स्टूडेंट शुड भी एबल टू प्रोड्यूस वो वोकेबलरी एक स्टूडेंट में वक्त के साथ साथ जो इसकी वो कैबलरी हैं ज़बान के बारे में जो अल्फाज होते हैं एक्सप्रेशन होते हैं लुगत होती हैं उसमें इम्प्रूमेंट होनी चाहिए वो बढ़नी चाहिए तभी वो उस जबान में कुछ ठीक से लिख सकता है और कुछ प्रॉपरली कुछ उसमें बोल सकते हैं उसकी जो जबान है उसमें एक वजन आ सकता है एक बैलेंस आ सकती है तो दैट मीन्स यू नीड टू बी एबल टू लर्न न्यू एक्सप्रेशन फ्रेजिज एंड दैन दीज़ नाउनस प्रो वर्ब्स तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए जो इसमें अफाज होते हैं एंड देन देयर इज़ डे टू डे कन्वर्से इन इंग्लिश स्टूडेंट शुड बी एबल एनफू कन्वर्स इन इंग्लिश ऑन डेली बेसिस जो डे टू डे आप कन्वर्स करते हो किसी भी के साथ फैमिली के साथ फ्रेंड्स के, के साथ तो आप इस काबिल होने चाहिए दैट यू विल बी एबल टू कन्वर्स इन इंग्लिश तो आप अंग्रेज़ी में किसी दूसरे के साथ बात कर सको अपने जो आइडियाज़ हैं वो उस तक पहुंचा सको और अपने जो इजहार ख्याल हैं वो कर सके इंग्लिश लैंग्वेज में एंड दैन दियर प्रोड्यूस एकोरेट ग्रामेटिकल फॉर्म्स जो आपकी फिर इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो ग्रामर की जो चीज़ें आती हैं वो आपोरेटली बोल सको चाहे वो फिर राइटिंग में आती हैं या स्पीकिंग में मोस्टली राइटिंग में जो ज़्यादा ग्रामर पर फोकस किया जाता है कि राइटिंग ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू स्पीकिंग तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सा जो पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन है वर्ब है एडवर्ब है एजिक्टिव है या जो दूसरे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो आपको आनी चाहिए कि कहाँ पे मुझे कौन सा जो ग्रामीटिकल जो रूल हैं वो देखना है या मैं ग्रामीटिकली ठीक बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए एंड दैन देयर इज गिविंग गिवन औरल प्रेजेंटेशन इन क्लास यूजिंग एफेक्टिव डिलीवरी स्ट्रैटीज़ एंड दैन दियर इज़ ऑ स्पेशल फोकस ऑन औरल प्रजेंटेशन जो डेमानस्ट्रेशन होती है क्लास में एक टीचर को भी जो स्टूडेंट्स uh, को जो अप्रिशिएट करना चाहिए या इनक्रेज करना चाहिए कि वो क्लास में खड़ा हो सके और कोई जो स्पीच है वो डिलीवर कर सके ताकि उसमें जो एक शाइनेस है वो ख़त्म हो जाए जो एक उसके लिए जो पढ़ाई में जो नुकसानदह साबित होती है या फिर आगे जाके उसके करियर में एक रुकावट बन जाती है या उसमें एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वो बात कर सके जो नेगेटिव एक वो शाइनस होती है उस पर काबू पा सके दैन दियर इज प्रेजेंटेशन फैक्ट्स आइडियाज़ और ओपिनियन इन ऑर्डर इज यू कैन इट शुड बी इट्स इट द रेस्पॉन्सिबिलटी ऑफ अ टीचर टू हेल्प स्टूडेंट टू लर्न अ लैंगवेज सो दैट दे कैन प्रेजेंट facts, ideas or opinions. एक teacher की जिम्मेदारी है कि बच्चे को जो जो लैंग्वेज है, खासकर यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे वो इस तरह से सिखा सके दैट ही शुड बी एबल to प्रेजेंट फैक्ट्स वो उसमें कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट कर सके आइडियाज़ ओपिनियंस, और बच्चे की जो आइडियाज़ और ओपिनियंस हैं वो उसमें वो पेश कर सके और बच्चे की जो इमेजिनेशन है उसको वो बढ़ा सके इन ऑर्डरली सूकैंस चाहे फिर वो आपको राइटिंग में प्रेजेंट करनी है या फिर आपको वो एक स्पीच या एक एलोकेंस तो उस तरह से देनी है दैन देयर इज मेक रिले रिलेवेंट कॉमेंट्स ऑन वट इज़ हर्ड सीन और रीड जो भी कोई चीज़ आप पढ़ पढ़ रहे हो सुन रहे हो या देख रहे हो तो आप उस पर कॉमेंट कर सकें दैट मीन यू शुड बी एबल टू कन्वर्स और कॉमेंट और गिव यूअर व्यू पॉइंट ऑन वट एवर यू हैव हर्ड इन क्रॉस रूम सीन एनी वेयर और रीड फ्राम द बुक्स चाहे वो आपने किताब में पढ़ी हैं कहीं पर कोई चीज़ देखी है या कोई चीज़ सुन रखी हैं तो आप को इस काबिल होना चाहिए कि आप उस पर अपना कमेंट अपना व्यू पॉइंट या अपनी जो विचारधारा हैं वो दे सकें एंड और ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों में ये चीज़ें ये सलाहियतें पैदा करने की कोशिश करें एंड दें देयर इज़ डिस्क्राइब एक्सपीरियंस इन सिंपल एंड एक्सप्रेस इंटेलिजली व्हाट इज़ थॉट और इमेजनड तो दूसरी जो चीज़ ये है कि आप डिस्क्राइब एक्सपीरियंस इन सिंपल एंड एक्सप्रेस इंटेलिजेंटली वट इज़ थाट और इमेजिनेश जो चीज़ आप इमेजिन कर रहे हो या जो आपका ख़्याल है तो वो आप उसको आप एक्सप्रेस कर सके बड़ी ही एक सिंपल एक लूसड लैंग्वेज में रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन तो किसी भी सिचुएशन में आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हो तो ये चीज़ें आपको जो है ये चीज़ें आप लैंग्वेज से ये चीज़ें आपको सीखनी है या आप कैसे इस लैंग्वेज में उस उस सिचुएशन को जो रेस्पॉन्ड कर सकते हो देट मीन इफ यू हैव टू इंटरेक्ट विद समन आउट ऑफ सर्टन इन इंग्लिश लैंग्वेज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ और हाउ यू आर गोइंग टू फेस द सिचुएशन और हाउ यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद एनिवन इन दैट वेरी सिचुएशन तो आप अंग्रेज़ी ज़बान में उस टाइम कैसे बात कर सकते हो स्पीक ऑडिबली विद अप्रोप्रियट टून आपको जो बोलने का अंदाज़ है वो ठीक होना चाहिए आपका जो टून है या आपका जो इंटोनेशन है या पेस है वो आप uh, को सीखनी है दैट मीन्स आपकी जो प्रोनान्शन है वो आपको अच्छी होनी चाहिए और आपकी जो बोल चाल हैं उसमें एक जो ऑडिबली वो करेक्ट होनी चाहिए दैट मीन्स योर प्रोनन्शन शुड बी करेक्ट जो आपका वो एक स्ट्रेस है इंटोनेशन होती है

ताकि आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने ख्याल का इजहार कर सकते हो जो चीज़ आप सोच रहे हो टू गेट एंगेज इन मीनिंगफुल कन्वर्सेशनज और किसी भी बंदे के साथ आप जो कन्वर्स कर रहे हो दैट शुड बी ए मीनिंगफुल कन्वर्सेशन आपको उसकी बात समझनी चाहिए एंड ही नीड्स टू ही शुड बी एबल एनफ टू अंडरस्टैंड वट यू आर सेग एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड और यू शुड बी एबल टू यू शुड बी एबल एनफ टू पुट पुटफॉर यूर आइडियाज़ इन ए क्लियर एंड लुसड मैनर आपके जो ख्याल हैं वो आप ठीक से प्रेजेंट कर रहे हो और जो सामने वाला बंदा है वो आपकी बात समझ रहा है तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए देन देयर इज़ रीडिंग राइटिंग इसके अलावा जो एक दो और स्किल्स हैं जिन पे एक जबान का दारमदार होता है एक भाषा का दारदार होते हैं एक लैंग्वेज का दारदार होते हैं दैट इज़ रीडिंग एंड राइटिंग एक तो आपको रीड करना आना चाहिए क्योंकि कल एग्जाम्स में आपको पसेज आएंगे तो और वो कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट से वो Uh, डाल सकते हैं दैन दियर इज़ यू शुड बी एबल एनफ टू राइट रंसर्स और यू शुड बी एबल टू एनफ राइट एनी कंपोजिशन तो किसी भी चीज़ पे आपको वो जो राइटिंग है वो स्किल आपको होनी चाहिए ओनली ऑनली फ्यू टॉसिक शैल बी सेट टू टेस्ट द रीडिंग द सिकिल्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग शैल बी टेस्ट इन इंटेग्रेटेड मैनर जो रीडिंग और राइटिंग है वो आपस में रिलेटेड है जितना ज़्यादा आप रीड करोगे उतना ज़्यादा आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी तो जो जो रीडिंग और राइटिंग है ये आपस में इंटाग्रेटेड हैं और इसमें कुछ टास्कज़ हैं कुछ बच्चों को असाइनमेंट देने चाहिए जिनसे इनकी जो रीडिंग राइटिंग जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए टू रिफ्लेक्ट द वे इन विच लैंग्वेज एक्चुअली यूजड और जो लैंग्वेज का एक्चुअली यूज़ है राइटिंग में या जो आप पढ़ रहे हो तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए दिस इज टू अलाउ रंग टास्क टू बी स्टमुलेटेड बाय अथेंटिक रीडिंग टेक्स्ट जो आपकी रीडिंग है वो एक तरह से इंप्रूव हो सकती है अगर आप जो अथेंटिक जो रीडिंग टेक्सट होती हैं जो बड़े बड़े राइटर्स की जो बुक्स होती है या जो न्यूज़ पेपर्स होते हैं दूसरी चीज़ें अगर आप उनको जो पढ़ने की एक आदत डालो तो आपकी रीडिंग वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो जाएगी फिर आप कोई टफ़ से टफ़ बुक भी रीड कर सकते हो और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो रहा द टू एक्टिविटीज़ एंड डाइवर्स एलिमेंट्स और ये कोई डाइवर्स नहीं है आप में आप्टकनेक्टिव है जितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आपकी राइटिंग में भी दम होगा हाव एवर फ्यू टास्क मे बी सेट टू टेस्ट द रीडिंग एक्सक्लूसिव लेकिन कुछ टास्क यहाँ पे दिए गए हैं जिससे जो आपकी जो रीडिंग स्किल हैं वो इम्प्रूव हो जाएगी एंड दे रीडिंग शुड एबल एनेबल स्टूडेंट्स टू रीडिंग से आपको फिर क्या फ़ायदा या कौन सी जो और uh, इसमें इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए फॉर स्केंट एक्सट्रेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्राम डिफरेंट टैक्स एटलीस्ट फ्राम दैक्स प्रस्क्राइब टेक्सट बुक्स जो आपके जो टेक्सट बुक्स हैं या कोई दूसरी बुक्स हैं उनमें से आपको पीस पे पी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो दैट मीनज यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड इन बिटवीन द लाइन जो लाइन के बीच में एक जो मीनिंग छुपा होता है वो आपको समझ आना चाहिए इतनी ज़्यादा आपकी जो रीडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए ऑर्गेनाइज द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट इन अ लॉजिकल मैनर गिवन फॉर्मेट फिर आप जो इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी फिर आपको वही राइटिंग में देनी है लॉजिकल फॉर्मेट में देनी है एक सिकेंस में देनी है एक पैटर्न में देनी है एंड देन दियर इज एंड फॉर द मेन आइडिया इन द टेक्स्ट टेक्स्ट में क्या मेन आइडिया हैं अगर आपको कोई पैसेज दिया जाए कोई लेसन दिया जाए कोई कंपोज़िशन दिया जाए आपको इस काबिल होना चाहिए कि इस टेक्स्ट का जो थीम है सेंट्रल आइडिया है वो आपको समझ आना चाहिए ताकि आपकी ये टेस्ट किया जा सके ये जान सके कि आपकी जो रीडिंग स्किल हैं वो अच्छी है कि नहीं है दैन दियर इज आइडेंटिफाई स्पेसिफ़िक डिटेल जो इसमें कुछ ख़ास जो पॉइंट्स होते हैं जो थीम होते हैं सेंट्रल आइडिया होता है तो वो चीज़ आपको समझनी है या कोई उसमें से ख़ास डिटेल देखनी है डिसर्न मेन आइडियाज़ फ्रॉम गिविंग इंफॉर्मेशन और उसमें जो uh, कुछ मेन आइडियाज़ हैं वो आप डिसर्न कर सको उनको डिकोड कर सको उनको डिसफर कर सको उनको समझ सके दैट uh, जो रीडिंग है इसका जो एक तरीका है जिससे आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो सकती है दैट मीनज़ यू नीड टू रीड मोर एंड मोर टेक्स्ट बुक्स आप जितना ज़्यादा आप कोई भी टेक्स्ट न्यूज़ पेपर कोई शॉर्ट स्टोरी या कोई दूसरी जो बुक्स आज कल जो मोटिवेशनल बुक्स हैं या इस तरह की कुछ बुक जितना ज़्यादा आप उनको पढ़ोगे या नावल्स पढ़ोगे आपकी रीडिंग आटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी एंड दैन दियर इज डिस्टिंग फैक्ट फ्राम ओपिनियन जो फैक्ट है और जो ओपीनियन है यूनिकिंग दीज ट्रू थिंग जो फैक्ट फिगर्स होते हैं या फाइंडिंग्स होते हैं और जो ओपीनियन होती है अपनी राय होती है ऑथर की तो वो 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 चीज़ इन में जो फ़र्क है ये आपको समझना है ड्रॉ इन्फ्रेंस इज बेस्ड ऑन इंफॉमेशन इन द टेक्सट और जो आपने टेक्सट पढ़ी उसमें से आपने क्या इंफ्रेंस क्या जो मीनिंग आपको समझ आया आपने इससे क्या अखज़ किया एंड दैन दी आर डिकॉर्ड मीनिंग वर्ड्स एंड टेक्स्ट जो वर्ड्स हैं इनका जो मीनिंग है इनको एक उस कॉन्टेक्स्ट में समझना है जिस कॉन्टेक्स्ट में वो दिया गया है जिस कॉन्टेक्सट में वो लेसन है या जो स्टोरी है उस पैराए में उस पस मज़र में आपको उन वर्ड्स या उन फ्रेज या उन सिचुएशनल जो सेंटेंसेज हैं उनकी जो मीनिंग समझनी है दैन दियर इज अंडरस्टैंड अनफेमिलियर वर्ड्स जो अनफेमिलियर वर्ड्स हैं जो आपने पहली बार देखी है उनके जो मीनिंग है वो आपको समझना है वो आपको देखना है वो आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है तो जितना ज़्यादा आप और पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो वकीबलरी है जो हमने पहले इससे पहले देखा वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी और आप जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग जो आप खुद वो समझ पाओगे कि यहाँ पर जो सिचुएशनल मीनिंग इसका है वो क्या बनता है दैन देअर इज आइडेंटिफाई ऑथर्स पर्पज़ एंड ट्यून जो ऑथर का पर्पज़ या जो ट्यून है ऑथर किस पर्पज़ से लिख रहा है वो सिंपैथेटिक है वो सटैरिक हैं वो आयरनिक हैं वो किस एज़ वो सजेस्ट कर रहे हैं डाइडक्टिक हैं नसीहत भरे अंदाज़ में लिखता है हमदर्दाना अंदाज़ में लिखता है या तनजी अंदाज में लिखता है या उसका जो पर्पज़ है लिखने का वो क्या है वो हमें कुछ चीज़ समझाना चाहता है सजेस्ट करना चाहता है कोई हमें जो इम्प्रूवमेंट चाहता है कि हम में हो जाए तो ये चीज़ आपको समझनी है कि ऑथर हमें किस पर्पस और किस टून से यहाँ पे लिख रहा है तो यहाँ तक हमने देखा इसके बाद इसमें जो एक और चीज़ है दैट इज़ राइटिंग तो राइटिंग का भी हम देखेंगे कि राइटिंग में आपको किन चीज़ों का जहन में रखना है और फिर इसमें जो इंटरनल असमेंट हैं एग्जामिनेशन जो हैं या जो अससमेंट हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे तो अभी तक के लिए आपका शुक्रिया थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट